नरेंद्र भाई, आपको क्या लगता है जिस तरह का चुनाव यहाँ पर लड़ा गया, जो चुनाव आपने लड़ा, आपकी हालत वैसी है जैसे परीक्षार्थी परीक्षा के लिए कई दिनों तक मेहनत करता है और आज पर्चे का दिन है? चुनाव के लिए मैंने मेहनत नहीं की है, मैंने मेहनत की है 5 करोड़ गुजरातियों का भला करने के लिए, 5 करोड़ गुजरातियों का विश्वास जीतने के लिए। और मैं मानता हूँ वो काम शायद रंग ले आए चुनाव में। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी इन गलियों में कई बार घूमे होंगे, कई बार इसी तरह चले होंगे, कई महत्वपूर्ण वर्ष आपने इन गलियों में गुजारे हैं, सामने आरएसएस का हेडक्वार्टर है, लेकिन नरेंद्र मोदी एज ए पब्लिक फिगर, एक पब्लिक पर्सनैलिटी, वो आप पहले भी थे, लेकिन चुनाव के दौरान क्या अंतर महसूस करते हैं दोनों? एक बैकरूम बॉय, मैं हमेशा संगठन का कार्य करता रहा हूँ, अब मेरी भूमिका बदल गई है तो मुझे थोड़ा समय इन कामों में लगाना पड़ता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है, उनकी और भी देखना पड़ता है। पहले तो सिर्फ संगठन को देखता था तो वर्कलोड बढ़ा है। मोदी जी, दूसरा जो मुद्दा है, आपको क्या लगता है, आपका खुद का एनालिसिस क्या है, क्या विधानसभा चुनाव परिणाम होंगे? पहली बात, गुजरात को जिस प्रकार से बदनाम किया गया है, आज शांतिपूर्ण मतदान होगा, अधिकतम मतदान होगा। जिन जिन लोगों ने गुजरात को बदनाम किया है उनको ये करारा जवाब होगा। जहां तक चुनाव नतीजों का सवाल है, मैं तो जनता के पल्स को जानता हूं, लेकिन इस बार तो ओपिनियन पोल भी वही बात कह रहे हैं जो आम तौर पर जनता का मिजाज है। आपको क्या लगता है, अब आपकी पॉलिटिकल एम्बिशन क्या है, गुजरात या उससे आगे? नंबर वन, मेरी पॉलिटिकल एम्बिशन पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं है। मेरा जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है, एम्बिशन से जुड़ा हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए मणिनगर से दिल्ली कितनी दूर है? मैं मणिनगर को ही अपना सब कुछ मानता हूँ, इसलिए मैं और दूरियों को नापता नहीं रहता हूँ। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के लिए भी दावेदार हो सकते हैं, आपको क्या कहना है? भैया, मैं तो मुख्यमंत्री का भी कभी दावेदार नहीं रहा, मैं किसी चीज का दावेदार नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में काम करना यही मेरा काम है, इससे अधिक मैं सोचता नहीं हूँ। मतलब आप अपना कार्यक्षेत्र गुजरात को भी बनाए रखेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में क्या रोल होगा आपका? मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने अपना निर्णय कभी नहीं किया, मेरी पार्टी ने मुझे जब जो कहा वो मैंने किया, कभी मुझे हिमाचल भेज दिया हिमाचल चला गया, हरियाणा भेज दिया हरियाणा चला गया, जम्मू कश्मीर भेज दिया जम्मू कश्मीर चला गया, गांधीनगर भेज दिया गांधीनगर चला गया, मैं अपने निर्णय कभी करता नहीं हूँ। नरेंद्र भाई, एक आखिरी सवाल, एक बैकरूम बॉय नरेंद्र मोदी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाते थे, पार्टी को चुनाव लड़वाते थे, और एक मुख्यमंत्री, दोनों के रोल में आप किस तरह का अंतर देखते हैं? बहुत बड़ा अंतर होता है, संगठन के कार्य के लिए अलग प्रकार के प्रायोरिटीज रहती हैं, सरकार के काम के लिए अलग प्रायोरिटी रहती है, लेकिन दोनों में एक महत्वपूर्ण बात होती है, एक होनी चाहिए संवेदना, दूसरी होती है ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज करना। वो जो मेरा संगठन का अनुभव है वो मुझे गवर्नेंस में बहुत काम आ रहा है और मैं समझता हूँ उसी के कारण मुझे हमेशा अपने काम में सफलता मिली है।